अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं FSC फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 में से एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पल्स। इम्पल्स का जो ये टॉपिक है बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता और इसलिए वो इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो इम्पल्स बेसिकली कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को। अब आप सोचेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। चेंज इन मोमेंटम को पहले आपको समझना जरूरी है। अगर आप इम्पल्स को समझना चाहती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो प्रोडक्ट अगर लिया जाए मैस का, उसकी वेलोसिटी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी के साथ यानी स्पीड के साथ, तो उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब उस मोमेंटम के अंदर जो चेंज पैदा होगा उसको हम कहेंगे इम्पल्स, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का जो सिंबल है वो जे है और इम्पल्स इक्वल होता है एफ क्रॉस टी के। अब इम्पल्स से मुराद है कि किसी चीज़ पर कितने टाइम पर कितनी फोर्स लगी है। अब जब कोई मिसाल के तौर पर जिस तरह आप एक बॉल कैच करते हैं, क्रिकेट बॉल जो है उसको कैच करते हैं, तो आपके हाथ में आपने देखा होगा एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, वो चेंज इन मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उस बॉल का जो आपके हाथ की तरफ आई है। उस बॉल, वो जो बॉल आपके हैंड की तरफ आई है उसका एक इम्पैक्ट आपके हाथ पे क्रिएट हुआ है। अब वो जो इम्पैक्ट है ना उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब वो जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है और अगर उसको जितनी फोर्स आपके हाथों पे लगी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका इम्पल्स आ जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स का जो यूनिट होता है ऐसे यूनिट वो न्यूटन सेकंड होता है। और अगर इसकी हम डायमेंशन भी निकालना चाहें तो डायमेंशन किस तरह निकलेगी? MLT-2 जो कि न्यूटन की है। मैं आपको पिछले टॉपिक में भी ये समझा चुका हूँ डायमेंशन के टॉपिक में, उसको ज़रूर देखें, आपको डायमेंशन निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। और सेकंड का होता है टाइम, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, उसके ऊपर वन पावर होती है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा ML2 और -2 और +1 कितना हो जाता है? -1। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई? MLT-1। तो इम्पल्स इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस आपने समझना है इसको कि जो मोमेंटम के अंदर चेंज पैदा होगा उसको हम इम्पल्स कहेंगे। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।